वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नजर जो बदलेगी नजारे बदल जाएंगे, प्यार पनपेगा तो दिल से दिल मिल जाएंगे। आचार्य जी आपकी इजाजत हो तो हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। एकदम स्वागत है। हेलो। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? ज्योति तावत, मैं खंडवा से बोल रही हूँ। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/86 और हस्बैंड की है 30/7/83। ठीक है, टाइम बता दीजिए। टाइम सर उनका 6 है, इष्टकाल लिखा है कुंडली में। ठीक है। और मेरा है सर 5/15 का। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? मेरी लाइफ मतलब मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं जी, और मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब हस्बैंड मुझे बहुत धोखा देते हैं, बहुत बहुत, और मैंने कितनी बार उनको फेस टू फेस पकड़ा भी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती घर क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ देखो बेटा, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। आप थोड़ा एडमिट करिएगा और सच्चाई का साथ दीजिएगा। अगर आप सच बोलेंगी और सच समझेंगी तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ। एक तो ये सच बात है कि आपके पति का शुक्र 6/7/8 को भोग करता है। हाँ। जिसमें उनकी चारित्रिक अव्यवस्थाओं को वो उजागर करता है। हाँ। इसमें संदेह नहीं है। वो झूठ बोल सकते हैं, असत्य संभाषण करना उनका स्वाभाविक लक्षण है, इसमें भी संदेह नहीं। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, आपका अपना दाम्पत्य जीवन अपने आप सहज रूप से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र परिवर्तित हो रहे हैं। आपको उपाय करना है, सबसे पहला तो जो हम रेगुलर बोलते हैं कि नमक का पोछा लगाएं ताकि आपके घर में निगेटिविटी समाप्त हो जाए। दूसरा, अपने पति के जितने भी पुराने सूज और चप्पल्स हैं वो किसी गरीब को दें। और एक छोटा सा काम बताता हूं जो सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे, कोई और वीवर ना करे। आप अपने बाएं पैर के चप्पल के वजन के बराबर आटा नापिए और अपने पति को खिलाइए। मंगलवार मंगलवार करना है। वजन के बराबर नापना मतलब उतने वजन के बराबर, जितना वजन वो हो उतना ही आटा हो, उसकी रोटी बनानी है और उसे आपको अपने हस्बैंड को खिलानी है। ये सिर्फ आपके लिए है, रविवार मंगलवार करना है इसे। इसे 5 से 7 बार करते ही वो पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगी यस तो यस, नो तो नो। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है, मैं आगाह करता हूँ कोई और नहीं करे। बिना सलाह के इस उपाय को करने पे नुकसान भी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। इसे करने के बाद आप मुझे बताइएगा जैसा भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। नजर जो बदलेगी नजारे बदल जाएंगे, प्यार पनपेगा तो दिल से दिल मिल जाएंगे।